हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। उद्योग प्रसार अधिकारी की जो भर्ती निकली थी उनके लिए आज सिलेबस और पाठ्य स्क्रीम यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पाठ्य स्क्रीम यहाँ पे दी गई है बोर्ड के द्वारा, अधीनस्थ मंत्रालय के द्वारा। बात करते हैं उद्योग प्रसार अधिकारी एवं उद्योग निरीक्षक के पदों के भर्ती हेतु क्या क्या चीजें यहाँ पर है, क्या क्या चीज आपको करनी होगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है, संपूर्ण जानकारी सिलेबस की इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात है उद्योग प्रसार अधिकारी एवं उद्योग निरीक्षक के पदों के हेतु। देख लेना, उद्योग प्रसार अधिकारी एवं उद्योग निरीक्षक पदों के हेतु क्या चीज आएगा। स्कीम ये है, अब चार भाग यहाँ पर होंगे। पहले भाग में होगा राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान के साहित्य, परंपराएं, विरासत। ये कितने नंबर का होगा? ये 40 नंबर का होगा। बाकी सब चीजें 20 20 नंबर की यहाँ पे होगी। ब भाग में राजस्थान की अर्थव्यवस्था आएगी, स भाग में राजस्थान की राजनीति और प्रशासन व्यवस्था आएगी, दैनिक विज्ञान आएगा, और द भाग में तार्किक जो है आधारभूत संख्या अभिवर्तन आएगी। ये टोटल होगा 100 नंबर का और 2 घंटे का इसमें टाइम होगा। अब बात करें आगे अपन अगर, तो उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर प्रश्न पत्र एक के सभी प्रश्न बहुकृत यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, दिक्कत नहीं है। और न्यूनतम 40 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर ये नहीं लाते हैं आप 100 में से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पाठ्यक्रम की जहाँ तक बात करें तो पाठ्यक्रम वही है जो सभी में होता है। राजस्थान का कला इतिहास एवं संस्कृति के इसमें सब कुछ आता है। राजस्थान का इतिहास, प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, मुगल संबंध, राजपूत संबंध, राजस्थान स्थापत्य कलाएं, सब कुछ चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी चीजें आपको तैयार करनी है। इसका मटेरियल कितना आएगा? इसका मटेरियल आपका आएगा 40 नंबर का। ये बहुत ही मेजर वाला पार्ट इसके अंदर रहेगा उद्योग प्रसार अधिकारी के अंदर। आगे बात करें, राजस्थान का भूगोल आएगा, स्थिति, विस्तार, मुख्य प्रवाह, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा। भूगोल के लिए मैंने किताब बता रखी है आपको, LR भल्ला साहब की, बहुत अच्छी बुक है, आप फॉलो कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति सब कुछ चीजें राजस्थान की जो है वो इसमें आएगी। खनिज संपदाएं, परिवहन, जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाएं, सभी चीजें इसमें पूछी जाएगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो भी यहाँ पर पूछी जाएगी। इसका नंबर का ये आएगा आपका 20 नंबर का पार्ट, और 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद राजस्थान की राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था के बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये बात हो गई अपने किसकी, उद्योग प्रसार अधिकारी और उद्योग निरीक्षक के भर्ती पदों है। तो अब उनमें अलग अलग पोस्टें थी तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। दैनिक विज्ञान का भी कुछ चीजें आएंगी, तथ्यों के कुल मिला के बहुत बड़ा है सिलेबस इन्होंने दे दिया है, बहुत सारी चीज इसमें दी है। जितना आप ज्यादा तैयार कर सकते हो उतना कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। राजस्थान की समस्त जीके है, उसके साथ साथ भूगोल है, उसके साथ साथ आपको जनरल जो आपकी साइंस होती है उसके भी प्रश्न है। तार्किक आधारभूत संख्यात्मक योजना है, तार्किक दक्षता, विश्लेषण, तर्क, मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता भी यहाँ पर दी हुई है। गणित का भी प्रश्न और पार्ट उसके अंदर आएगा। तो कुल मिलाकर मैं एक बार फिर से रिपीट आपको करवा देता हूँ क्या क्या चीजें इसमें आएगी उद्योग प्रसार अधिकारी में। यहाँ पे आप देख सकते हो उद्योग प्रसार अधिकारी में चार चीजें मुख्यतः दी हुई है। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं भूगोल। ब भाग में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, स भाग में राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, और द भाग में तार्किक आधार। तो ये जो द भाग होगा ये तो हो गया मैथमेटिक का, ठीक है। ये आपका दैनिक विज्ञान वाला पार्शन आता है, ये हो जाता है आपका जनरल साइंस का। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है इसी, जो भूगोल वगैरह इसमें अगर आप बात करना चाहें तो आ सकती है। भूगोल राजस्थान का इसमें पहले पार्ट में दे रखा है, अर्थव्यवस्था इसमें दे रखी, तो स्टेटिकली आप राजस्थान का अध्ययन इसमें कर सकते हैं। ये सारा कुछ किस कितने नंबर का होगा? ये सारा कुछ होगा 100 नंबर का, 2 घंटे का होगा, 40 नंबर आपको लाने लाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और जो वैकेंसीज है उनके बारे में। दैनिक विज्ञान हो गया, उनका पाठ्यक्रम ये हो गया। अब आता है हथकरघा निरीक्षक पदों के भर्ती है। तो दोस्तों, उसमें एक पोस्ट थी अपनी हथकरघा निरीक्षक। अब हथकरघा निरीक्षक को 2 भागों में बांटा है उन्होंने, सामान्य ज्ञान राजस्थान का और इतिहास, कला परंपरा, कला संस्कृति, साहित्य की जो भी चीजें आती, और हथकरघा तकनीक विज्ञान के बारे में पूछा गया। इसमें भी आपको सभी प्रश्नों के अंक समान हो गए, 40% अंक लाना जरूरी है, नहीं तो आपका नहीं होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर लाने लाने। अब यहाँ टेक्निकल का जो पार्ट आ रहा है वो है 60 नंबर का, बाकी है 40 नंबर का। तो यहाँ पे थोड़ी राहत है हथकरघा वालों के लिए, 40 नंबर का पार्ट ये, क्योंकि टेक्निकल में डिस्कस आसानी से कर सकते हैं। उसमें सब कुछ भर दिया है पहले वाले में, जो कि बहुत बड़ा लग रहा है। पाठ्यक्रम में पहले बता चुका हूँ राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, परंपरा, विरासत, सभी चीजें जो इसमें होती है। राजस्थान का भूगोल के लिए स्थिति, प्रसार, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, बुक भी मैंने बता रखी है, आप फॉलो कर सकते हैं। उस बुक का रिव्यू मैंने दे रखा है मेरे चैनल पे, जाकर देख सकते हैं। राजस्थान हथकरघा तकनीक विज्ञान में क्या क्या चीजें आएंगी दोस्तों? उसमें आएंगी फाइबर एंड जो टेक्नोलॉजी है आपकी, और केमिकल प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आएगी, प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी होती। तो कुल मिला के ये सारा पूरा जो है टेक्निकल पार्ट आपका हो जाता है यहाँ पर। यहाँ से अगर आप इसको करना चाहें तो वो भी पूछा जाएगा हथकरघा के लिए। और उसके अंदर जो पहला अपना था उद्योग प्रसार अधिकारी, उनके अंदर टेक्निकल का पोर्शन कम है, जनरल साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है।
फिनिशिंग, ये जो भी हथकरघा होती है टेक्सटाइल में जो चीज़ें यूज होती है उनके लिए ये होता है, उनके लिए पर्सनल भर्ती निकलती है। अब आते हैं तीसरी पोस्ट, उसमें थी लवण निरीक्षक की। लवण निरीक्षक के पदों के लिए अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें भी सेम वैसे ही भाग और भाग दो है। उसमें जहाँ पर हथकरघा निरीक्षक टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या दे दिया, केमिस्ट्री यहाँ पे दे दी रसायन विज्ञान का, तो केमिस्ट्री जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसके तो इस पेपर में सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 60 नंबर की ओनली केमिस्ट्री आ रही है। बहुत ही अच्छी बात यह है कि इतना बड़ा पोर्शन केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से लिया जा रहा है। कुल मिला के 40% तक उत्तीर्ण करने के लिए आपको चाहिए मिनिमम, तो आपको इतना चाहिए, सारे पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति आएगी और राजस्थान का भूगोल आएगा, भौगोलिक स्थान मरुस्थलीय सेवाएं पशुधन जो भी चीज़ें होती है। रसायन विज्ञान में फंडामेंटल ऑफ द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, क्वांटम नंबर्स जो भी थ्योरम्स उनकी होती है, हुंड के रूल वगैरह सब कुछ इसमें आएगी। एस ब्लॉक पी ब्लॉक जो आपका पीरियोडिक टेबल का होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आयनो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो स्टेजेज आपकी होती है वो सारे, बॉयल ताप और बॉयल नाप जो होते हैं रूल होते हैं आपकी केमिस्ट्री में, वो सब सारी चीज़ें भी पूछी जाएगी। बहुत सारा पार्ट है केमिस्ट्री का भी, हाइड्रोजन वगैरह तक दे रखा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट हो जाता है। कुल मिला के आपका जो है यहाँ से 60 नंबर का मटेरियल है, तो केमिस्ट्री को आप ढंग से कर लें, अगर केमिस्ट्री ठीक हो जाएगी तो ये आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करंट का जीके पढ़ लें, बहुत ही अच्छा माध्यम है आपके लिए अगर आप पास करना चाहें इस चीज़ को। आर्थिक अन्वेषक के वहाँ पे पद दिए हुए थे, आर्थिक अन्वेषक के लिए अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक अन्वेषक के लिए वही दो पार्ट है, भाग अर भाग ब। तो इसमें भाग तो उसका सेम है ही सही, भाग ब में क्या आएगा सांख्यिकी आ जाएगा, जिस प्रकार उसमें केमिस्ट्री आई, तो सांख्यिकी का जो पार्ट है वो हो जाएगा अपना 60 नंबर का, जैसे वहाँ पे केमिस्ट्री का 60 नंबर का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 60 नंबर का होगा, 100 नंबर से 60 नंबर का तो केमिस्ट्री, 40 नंबर का टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। 40 नंबर मिनिमम आपको लाना है अगर सिलेक्शन करवाना है। तो सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। राजस्थान कला संस्कृति के बारे में बता चुका हूँ, भूगोल बारे में बता, संस्कृति जो आपकी सांख्यिकी है, और अर्थशास्त्र उससे इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज एनालिसिस जो आपका कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रहता है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आती है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो समस्त जानकारी सिलेबस के बारे में यहाँ पर मैं आपको दे चुका हूँ, और भी कोई आपका डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, समस्त जानकारी मैं आपको दे दूंगा। सभी प्रकार की जितनी भी नॉलेज होती है मैं सभी प्रकार की नॉलेज आपको दे दूंगा। और फिलहाल बने रहिए, जुड़े रहिए www.dsguruji.com के साथ। जितनी भी जानकारियां हैं सबसे पहले और सबसे तेज हम आपको देते हैं, भले वो नोटिफिकेशन की हो, भले सिलेबस की हो, भले वो एजुकेशन स्टडी मटेरियल की हो, भले वो बुक रिव्यू की हो, भले वो राजस्थान जीके की हो या कंप्यूटर अवेयरनेस की हो, तो कंप्यूटर की भी समस्त जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.